दादा का उल्टा चश्मा। सिकारपुर गांव में मदन लाल नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा ही शैतान लड़का था। कमाने की उम्र हो गई थी पर फिर भी आवारों की तरह गांव में घूमता रहता था। एक दिन उसके पिता रमेश ने कहा, अरे कुछ तो काम धंधा कर, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? क्या धंधा करूं पिताजी, आप ही बताओ। तुम एक काम कर, मुझसे कुछ पैसे ले और बाइक रिपेयरिंग का दुकान खोल, उसमें मैं कभी कभी तेरी मदद कर दिया करूंगा। पर पिताजी, मुझे बाइक बनाना कहाँ आता है? वो तुम करते करते सीख जाओगे। पर बार बार कुछ नहीं, तुम बाइक रिपेयरिंग का शॉप खोलो। मदन बाइक रिपेयरिंग का शॉप खोल लिया। जो भी ग्राहक उसके दुकान पर आता निराशी होकर लौट जाता। वह उल्टा फुल्टा बाइक रिपेयरिंग करने लगा था जिससे ग्राहक को बहुत परेशानी होती थी। उसी में से एक ग्राहक ने कहा, क्या पंचर बनाए हो भैया? दो बार बनवा के ले चुका हूँ, बार बार पंचर हो जा रहा है, इधर काटी बिछाए हो क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? ऐसे ही करते करते उसको अपना बाइक रिपेयरिंग का शॉप बंद करना पड़ा। उसने सोचा, अब मैं क्या करूँ, कैसे चलेगा मेरा जीवन? एक काम करता हूँ, इस गाँव में कोई चश्मा का दुकान नहीं है, मैं चश्मे की दुकान करता हूँ। कुछ दिनों बाद मदन चश्मे की दुकान खोल लिया। वो घर घर जाकर लोगों के आंख का चेकअप करता और कोई अगर बोलता कि उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो वह उसे मुफ्त में खुशी खुशी अपने क्लिनिक को आने के लिए न्योता देता। मोहन को पता था कि गांव में ज्यादातर लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। एक दिन ऐसे ही उसकी दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। अपने पहले ग्राहक को देखकर मदन लाल फूला नहीं समाया। उसने कहा, अरे आइए आइए दादाजी, बोलिए क्या सेवा करूं आपकी? बेटा मुझे आंख का चेकअप करवाना है। ठीक है, यहाँ बैठ जाइए। वो देखिए बोर्ड पे जो लिखा है, आप उसे पढ़ पा रहे हैं ना? नहीं बेटे। इसके बाद मदन दूसरी लेंस लगाता है। अब पढ़ पा रहे हैं? नहीं बेटे, अब भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसके बाद वो फिर लेंस चेंज करता है। अब देखिए, अब पढ़ पा रहे हैं? पर दादा का वही जवाब रहता था। मदन लेंस पर लेंस चेंज करता रहा पर दादा का वही जवाब रहता। फिर मदन बोलता है, दादाजी आज आप घर जाइए, कल आप आ जाइएगा, कल आपके लिए लेंस पक्का मिल जाएगा और आप पढ़ भी पाएंगे। वह बुढ़ा व्यक्ति अपने घर चला जाता है और मदन शहर जाकर और भी लेंस ले आता है। दूसरे दिन वह बुढ़ा व्यक्ति फिर आता है। आइए आइए दादाजी, आज आपके लिए पक्का कोई ना कोई लेंस मिल जाएगा, आइए बैठ जाइए। हाँ बेटे। मदन उनके आंख में लेंस लगाता है। बताइए अब आप पढ़ पा रहे हैं? नहीं बेटे। अब? नहीं बेटे, नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अरे दादाजी वहाँ क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। बेटे मैं कैसे पढ़ूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ही नहीं, मैं तो बचपन से अंगूठा छाप हूँ। मदन ये सुनकर अपना माथा दीवार पे फोड़ने लगता है। अरे पहले बोलना चाहिए ना, मैं यहाँ परेशान होकर शहर से आपके लिए लेंस खोज कर लाया। पर तुमने तो कहा ही नहीं कि देख रहा है या नहीं। अरे मैं तो सोचा कि तुम पढ़ने के लिए बोल रहे हो। अरे हमसे ना हो पाएगा दादाजी, आप जाइए आप जाइए। एक अमावस की रात में लता और हेमा और उनके पति विक्रम और राजीव अपने गांव जाने के लिए निकले थे। राजीव ने पूछा, ये अचानक से ट्रिप का प्लान क्यों बना लिया? मैंने कुछ नहीं किया, ये जो भी किया इन दोनों बहनों ने किया। हाँ हाँ, सारा प्लान हमारा ही तो था। वो तो मैं ही थी ना जो बोल रही थी काम करके थक गया हूँ, मुझे थोड़ा ब्रेक की जरूरत है, चलो लता कहीं चलते हैं। मैंने तो बोला था कहीं चलते हैं,
ये थोड़ी बोला था कि तुम्हारे गांव चलते हैं। हेमा बोली, अब जीजू कितने साल हो गए हैं हमें गांव गए हुए। वैसे भी शहर की जिंदगी से बोर हो रहे थे, इसलिए हमने सोचा कुछ दिन गांव ही चलते हैं। लेकिन कम से कम एडवांस में बता देते, अब पता नहीं मेरा बॉस क्या उधम मचाएगा। बॉस और बीवी दोनों की बकबक सुनो। अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। और बस तभी उनकी कार के विंडशील्ड पर कुछ आकर गिरता है और विक्रम अचानक से ब्रेक मारता है। हेमा बोलती है, थोड़ा आराम से ब्रेक मारा करो। मैंने जानबूझ के ब्रेक थोड़ी मारा, ये देखो कुछ तो कांच से टकराया है। विक्रम गाड़ी से उतरकर बाहर गया और उसने वो गिरी हुई चीज उठाई। ये तो एक गुड़िया है, लगता है किसी बच्चे ने फेंकी होगी। वैसे बहुत सुंदर है ये गुड़िया। अब इसका क्या करूं? लाओ मुझे दो। हेमा ने उस गुड़िया को अपने बगल में बैठा लिया और उन लोगों ने अपना सफर जारी रखा। कुछ देर बाद एक एक करके सभी लोग सो गए सिवाय विक्रम के, जो गाड़ी चला रहा था। विक्रम ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उस गुड़िया की आंखें लाल थी और वो लता की ओर देख रही थी। विक्रम डर गया और उसने झट से ब्रेक मारा। सभी लोग झटके से उठे। अब क्या हुआ भाई? विक्रम पीछे घूमा तो गुड़िया बिल्कुल पहले जैसी ही थी। मुझे ऐसा लगा कि ये गुड़िया लता की ओर देख रही थी और उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। लगता है तुम्हें नींद आ रही है, लाओ मैं चलाती हूँ गाड़ी। नहीं नहीं रहने दो। विक्रम ने म्यूजिक प्ले किया और उन्होंने अपना सफर एक बार फिर से जारी रखा। वो लोग गांव पहुंच गए और अपने पुश्तैनी घर के भीतर चले गए। अचानक कुछ देर बाद विक्रम को दांतों की कड़कड़ाहट सुनाई थी और वो डरकर बोला, ये कैसी आवाज है? विक्रम ने जब ऊपर देखा तो वो गुड़िया छत पर चल रही थी। विक्रम ये देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से लता को उठाया। लता चिल्लाई, दोनों की चीखें सुनकर हेमा और राजीव भी वहां आ गए। सभी के सभी डर के मारे कांप रहे थे। मैं नहीं बोल रहा था कि इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। और तभी उस भूतिया गुड़िया ने नीचे छलांग मारी। एक दो तीन चार, आज तो मैं चार चार शिकार करूंगी, बड़ा मजा आएगा। ऐसा बोल के उस भूतिया गुड़िया ने चारों के चारों को हवा में उठा दिया। ये सब क्या हो रहा है? पहले तुम सबके साथ कुछ खेल तो लूं। उसके बाद उस गुड़िया ने राजीव को दीवार पर पटका, फिर विक्रम को छत पर पटका, फिर लता और हेमा दोनों को एक दूसरे पर पटका। चारों के चारों जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। इन सभी के बेहोश होते ही साधु महाराज को होश आ गया। उन्हें ज्ञात हो गया कि भूतिया गुड़िया वापस आ गई है और वो तुरंत ही इन चारों के पास पहुंचे। आओ साधु, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तू फिर से वापस आ गई, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं कौन किसको नहीं छोड़ेगा। इन चारों से पहले मैं तुम्हारा ही शिकार करूंगी। गुड़िया ने अपने हाथों से ज्वाला बरसाना शुरू कर दिया और साधु महाराज ने बर्फ का गोला फेंक कर वो ज्वाला बुझा दिया। तुझे अगर लगता है कि तेरी बुरी शक्तियां मुझसे जीत जाएंगी तो ये तेरी गलत फहमी है। साधु महाराज ने भूतिया गुड़िया को एक तिलिस्मी रस्सी से बांध दिया और फिर बेहोश लोगों को एक किनारे कर दिया। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं वापस जरूर आऊंगी। और हर बार तेरा सामना मुझसे ही होगा। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए और जैसे ही उन्होंने वो जल भूतिया गुड़िया पर फेंका तो उस गुड़िया से धुआं बाहर निकलने लगा।
अरे अरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी साधु। और इसके बाद वो गुड़िया एक काले धुएं में बदलकर हवा में उड़ गई। फिर साधु महाराज ने बेहोश लोगों पर कमंडल का पानी छिड़का और उनको होश में लेकर आए। वो गुड़िया अब वो गुड़िया कभी वापस नहीं आएगी। चारों ने साधु महाराज को प्रणाम किया। आज साधु महाराज की वजह से चारों जिंदा थे। इसके बाद उन सभी ने घर वापस लौटने का निर्णय लिया। लेकिन ये दिल दहला देने वाली घटना उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी।